तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, सारी संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास दा दिल करदा ए पंगती बोले, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए। दास दा मन करदा ए पंगती बोले, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। सिकलीगर सिख समाज दे दर्शन करके मन नूं ठंड पै गई। आखो सतनाम, किवें सारे नौजवान गात्रे पाए है गुरु गोबिंद सिंह दे बने नज़र आ रहे ने। तुहाडे प्यार नूं नमस्कार है भाई। आओ थोड़ा जा समा, सारे कृपा करियो जी। गुरु गोबिंद सूरा, गुरु गोबिंद सूरा, गोबिंद सूरा, सारे बोलो गुरु गोविंद सूर।
गोबिंद सूरा वै प्रगटे सारिया भैणा बोलियो इतना पहली वारी दर्शन होए है सिकलीगर सिख समाज ते होर संगतां दे ढिले ना पयो रल के कीर्तन करना पर रल के एक वारी सारे गुरमुख बोलियो बीबी ओ दूजी वारी तुसी बोलना सारिया ने गुरपूरे जावाए गुरपूरे गुरमुख बोलो गुरपूरे की वटियाई गुरपूरे की वटियाई सारियां पैना गुरपूरे हाँ गुर प्यो कौन ना कहूं जब की किसे फकीर ने कही सच्चाई ना कहूं जब की ना कहूं तब की बात कहूं मैं अब की प्यो कौन है साडा बात कहूं मैं अब की अगर गुरु गोबिंद सिंह ना होते अगर गुरु गोबिंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सब की गुरु भैणा गुरपूरे
वाहिगुरु। हम तो तौलत जाने तकड़ी, नंगी कर्द कभी नहीं पकड़ी, इन्हीं को सरदार बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहावे। गुरपुर की वड्याई ताकी कीमत कई न जाई, ताकी कीमत कई न जाई। बोलो गुरु गोविंद सूरा, गुरु गोविंद सूरा, सारे गुरु गोविंद सूरा, गुरु गोविंद सूरा, आया गुरु गोविंद सूरा, गुरु गोविंद सूरा, जपो गुरु गोविंद सूरा, गुरु गोविंद सूरा। सारे सिमरन करो भाई, संगत जी पट्टी कल्याण वाले हो, अमृतसर ने संगत जाप कर दी, मेरा मन ने 2 मिनट उंज भी करिए, भाई सारे 4 बारी वाहिगुरु बोलणगे, बीबीओ तुसी 2 बारी बोलना है धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह, 2 मिंट च हाजरी लाउणी है सारिया ने। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, भैणा बोलो धन गुरु, हाँ हाँ, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, आया आया, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जावा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि।
वाहेगुरु वाहेगुरु सचखंड लभना हाँ वाहेगुरु 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 मन हाँ जी वाहेगुरु 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 आ सचखंड लभना गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियं करियं निरनामे बोलो गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियं करियं निरनामे बोलो गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियं करियं निरनामे सारी संगत बोलो गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियं करियं निरनामे सारे बोलो गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे वाहेगुरु 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 धन गुरु गोबिंद सिंह हाँ वाहेगुरु 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 क्या वाह आ है सचखंड वाहेगुरु 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 हा 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 आया आया वाहेगुरु साडा वाहिगुरु है जप गोबिंद गोपाल लाल बोलो जप गोबिंद गोपाल सारे बोलो जप गोबिंद गोपाल जप गोबिंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवै फिर ना खाई महाकाल जप गोबिंद गोपाल लाल जप गोबिंद गोपाल लाल वाहेगुरु 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 धन गुरु गोबिंद सिंह शाबाश वाहेगुरु 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 शाबाश बीबियो आया वाहेगुरु 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 हा हा गोबिंद सूरा गोबिंद सूरा बोलो जी गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा ओ गोबिंद सूरा गुर 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 ਸਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ
गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा आया गुर गोबिंद सूरा वाह वाह गुर गोबिंद सूरा गुर गोबिंद सूरा गुर गोबिंद सूरा संगत बोले गुर गो शाबाश वेग जो सूरा दो मिनट का शब्द फिर थोड़ी जी विचार महाराज कराण सारे बोलो जी नाल साडा पिता जी कौन ने ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए बोलो जी ऐसे गुर को आप मुकत मोए तारे आप मुकत मोए तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए संतन रस आई है ज्यों जागूंगा मुस्करे ज्यों जागूंगा मुस्करे ऐसे गुर को पल पल जाइए सारी संगत ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोए तारे आप मुकत मोए तारे आप मुकत मोए तारे आप मुकत मोए तारे आहा ऐसे गुर को बल बल जाइए सारी संगत ऐसे गुर को बल बल
जाइए जाइए गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सारी संगत गुरु गोबिंद सिंह दे इन्ने क दीवाने हो जो दीवाने पत्ते पत्ते विच उन्हां नूं वेख के भावना रख के हर जगह बौड़ सकते ने भावना रख के गज के आखो सतनाम। सब तो पहला ये मैं अंदरों कह रहा जी एक पैहा पखंड ना समझे। सब तो पहला गुरु रामदास जी नगरी तो आया सारा जथा पट्टी कल्याण ते होर इलाकियां तो आई सारी संगत दे चरणा ते ए सारा जथा मत्था टेकदा भाई प्रवान करे ए लिख लो रागी वड्डा नहीं बड़े ध्यान ना सुनियो रागी वड्डा नहीं कीर्तनिया वड्डा नहीं ज्ञानी वड्डा नहीं प्रचारक वड्डा नहीं आज एक गल समझ लेना सब तो वड्डी गुरु की संगत है। तुसी सिकलीगर समाज च रेंदे हां पट्टी कल्याण नगर च रेंदे हां अपने नगर च रेंदे हां माया लो वड्डे हो जो कोठियां लो वड्डे हो जो कारां लो वड्डे हो जो ज्ञानी ध्यानी लो वड्डे हो जो किसे होर चीज वालों वड्डे हो जो पर एक गल हर वेले ध्यान रखना कदी जिंदगी च संगत तो वड्डे नहीं बनना संगत तो अपने आप नू छोटे समझना ते निभ जाएगी फिर आखो साधना हाँ निभ जाऊगी। मैं की दसा खोल के संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां तो बाद बाबा ठाकुर सिंह दमदमी टकसाल दे जिन्हां सेवा संभाली दास नूं बहुत प्यार करदे और ब्रह्म आत्मा सी तुसीं कईआं दर्शन कीते होणे हैं बाबा ठाकुर सिंह दमदमी टकसाल हुण चोला बदल चुके है वो ब्रह्म बेता आत्मा सी हर सवार बंदगी वाली आत्मा सी पर अपने विद्यार्थियों नू जरा नोट करियो 150 विद्यार्थी सी अस्थान ते ते जेड़ी सवेरे पहली पंगत लगती सी ना पहली पंगत ते बाबा ठाकुर सिंह दमदमी टकसाल आले विद्यार्थियों नू लंगर आप छकाउंदे सी आखो साधना सिखिया नहीं फीता लग गया तो बन गए कोई समझे हो। मेरे मोबाइल च वीडियो है कोई वेख सकता बाबा ठाकुर सिंह जी थालियां वरतौनियां प्रशादा खीर कोई दही गर्म जल जो भी इन्ना थोड़ा विद्यार्थियों थालिया के लंगर एक महापुरुष आप चकार है डेर अस्थान का मुखी बाबा जरनैल सिंह तो बाद जिन्हों सेवा मिली पर तुसी हैरान होवोगे विद्यार्थियों दिया जूठिया थालिया भी आप चुकनिया। फिर किसी ने कहता किसी ने कहा भी बाबा जी विद्यार्थी तुहाडी सेवा करन तुसी विद्यार्थियों की बड़ी हौली बोलते सी इंज सहज कहते कहते दिने ओ ही करते आखो साधना सिर्फ सवेरे पहली पंगत का बैन लाया सी बैन
ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਸੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਲਿਆ? ਤਾਏ ਨੇ, ਤਾਏ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਾਏ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣੀ, ਰੋਗ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਔਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ 5-7 ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਹੋਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਹੋਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਹ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 51 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭੱਜ ਜੂਗੀ, ਕਿਹੜਾ 51 ਪਾਠ ਕਰੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 51 ਪਾਠ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਆ ਦਿਓ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੈੱਟ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਘੰਟਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ, ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬਰਕਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੁਰਬਾਦਾ ਭਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸੱਜਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੜਕੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆ ਸਿੱਕਲੀ ਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵੇਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰੱਖ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦਾ, ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਬਸ ਵਿਹਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਝ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇਸ ਹਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਕੇਸ ਗਿੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹਜੂਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਜੂਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ 5 ਕੁ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ 5 ਕੁ ਸਰੀਰ ਆਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹ 5 ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਭਾਈ? ਫਲਾਣਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਹਿਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ 5 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਚਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦੇਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। 5 ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਬਰਕਤ ਪਵੇ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਧੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਸਤ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੁਸਤ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਪੱਖੀ ਝੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜਣੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜੋ ਬਰਕਤ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, 100 ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸ਼ੈਲੋ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜੁਗਤੀਆਂ, ਢੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਬੋਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਮੰਗਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਹੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਭੈਣਾ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
पिता जी सही प्यारे सचखंड लभण सुनियो मैं करी ना राड़ा साहब वाले महापुरुषों की किताब पढ़ रहे ये रख्या करो जीवन जिन्होंने किसी पदवी को प्राप्त किया तुहानू हैरानगी होएगी राड़े वाले महापुरश बाबा ईश्वर सिंह जी ने 8 साल मंजे ते लक नहीं लाया आको सतना मंजे नहीं लक जदों घालना घाली अज में स्टेज है ना ए समझ लो बैड है ये पिठ की ढो ला के ना बैड ना इस तरह ही एक घंटा दो घंटे झोंक जी लैके नींद पूरी कर लेनी मंजे लक नहीं लाया इन्नी बंदगी आखो सतनाम मैं जड़ी गल कह रहा सुनो मैं उन्हां दी किताब पढ़ रहा जी उहदे च गल चलदी चलदी आई सिख दो चीज़ां जिंदगी च भुल जाए सुनो सिख दो चीज़ां जिंदगी च भुल जाए तो जवाब अगले पेज ते सी ते मैं ना अंगूठे नाल ना पेज नप लिया मैं क्या अगला पेज पलटाउणा नहीं गुरकबाल सिंह तू अपनी बुद्धि ना सोच हर जगह कहिंदे सिख याद रखे याद रखे याद रखे एक केड़ी चीज़ कहीं होगी भुल जाए दास जी 10 मिनट सोचता रहा कुछ नहीं आया बुद्धि फिर मैं वर्का पलटिया भी लिखिया की महापुरशां ने सुनियो आ खंडा संगत चो ओ की लिखिया सी पेज ते लिखिया सिख दो चीज़ां जिंदगी च भुल जाए जवाब अगले पेज ते सी मैं 10 मिनट सोचता रहा नहीं बुद्धि चली फिर मैं वर्का पलटिया तो पता की लिखिया सी वेख्यो चंगा लगे तो वर्का पलट के की लिखिया सी इधर लिखिया सिख दो चीज़ां जिंदगी च भुल जाए वर्का पलट के की लिखिया सी नेकी करके भुल जाए बदले की भावना भुल जाए जकारा बुलाओ एक प्यार ना गाजे आ लभू कदों बड़ी वड्डी गल जे नेकी करके भुल जे पहुंचाती कई बार असी किसी का काम करते हैं ना नाल ही गंढ बन लैने कल नू इहनू वरतना है आखो सतना कल नू इहदे को काम लैना वो फिर लिखिया नेकी करके भुल जे ते बदले दी भावना भुल जे गज के कह दियो सतना ये फिर मिलता है कुछ दास बाबा बुढ़ा साहब का इतिहास पढ़ रहा सुनियो गल हुण छिड़ पई है जड़ी माड़ी जी बाबा जी ने झोला छड़िया एक दिन पहले सुनिया भेज के 6वें पातशाह नूं बुला लिया ये अमृतसर तो ना जी 40 मिंट का राह है 50 मिंट का रमदास जिथे बाबा बुढ़ा साहब ने झोला बदलिया मैं माड़ा जिहा सीन ही है 9 का टाइम सी कि 10 का रात का इस तरह ही संगत जुड़ी जिवें तुसीं जुड़े हो आ मेरे हाथ वाल वेखो एडे चौड़े पावे वाला मंजा उदों चौड़े पावे सी बड़े होंदे वाण वाला उते बाबा बुढ़ा साहब लम्मे पए दूजा मंजा एडे चौड़े पावे वाला उहदे ते साडे पातशाह बैठे 6वें गुरु हरगोबिंद साहब नाल रंगी रूह खड़ी बाबा बिधी चंद रंगी रूह बाबा बिधी चंद होर रूहां खड़ियां नाल ते बाबा बुढ़ा साहब ना इंज मुख घुमा के ना 6वें पातशाह ते सारी संगत विराग च कि बाबा बुढ़ा साहब की अखीरली रात है आखो सतनाम बाबा जी ने पहले ही कहता सी अज चोला बदल लैण दर्शन दियो 6वें पातशाह ते महाराज दर्शन देण आए आ सिखी है सुनियो आ खड़ो अज दवान चो बाबा बुढ़ा साहब जी ना इंज वेख के ना मुख इधर करके मंजे लम्मे पिया 6वें पातशाह तो पता की कहिंदे कहिंदे महाराज कुछ मंगना ना तो नहीं करोगे आखो सतनाम ते 6वें पातशाह कहिंदे बाबा जी हुक्म करो मुख चो कढो हुक्म करो सिर्फ मुख चो कढो बाबा जी ने होर पक्का कर लिया
महाराज ना ना करो आको सतना। पातशाह कहते हुक्म करो बाबा जी। बाबा जी ने और पक्का कर लिया, महाराज झोली भरनी मैं जो मंगन लगा देना जरूर। छेवें पातशाह कहते बाबा जी जे उम्र होर चाहिए तभी दसो, गज के आखो सतना तभी दसो। एक बड़ी गल, 125 साल कुछ महीने उम्र उस वेले बाबा बुढ़ा साहब की। चौथी हरी कहते हजूर ना ना करो। महाराज कहते गुरु हरगोबिंद बाबा जी हुक्म मुख चो बचन सुनियो संगत जी आ लैके जायो अज। फिर बाबा जी ने की मंगया बाबा बुढ़ा साहब ने, कहते महाराज अज आ दे दियो इंज झोली अड के ना। छेवें पातशाह कहते बोलो तो सही मुख चो बचन करो। तुसी हैरान होवोगे बाबा बुढ़ा साहब की मंगया, कहते सतगुरु फिर ना ना करो अज आ झोली च पा दियो, एक बारी मुख चो कह दियो मेरी खीरली रात आ दे दियो, एक बारी मुख चो कह दियो जा बुढ़िया तैनू बख्शिया। हाय 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 आ सिखी है, आ सिखी जे। हुण तुसी अंदाजा ला लो बाबा बुढ़ा साहब ने 8 पातशाहियां दे दर्शन, 6 पातशाहियों तिलक, पहले दरबार साहब दे ग्रंथी सिंह हैड ग्रंथी, पहले बाबा बुढ़ा जी कौम च किन्ना सत्कार। गुरु अर्जन देव महलों उन्हां को भेजदे आ वी जाओ पुत्र लैणा ते उन्हां कोल आखो सतनाम, किन्ना सत्कार। पर मन किथे असखी है, मन किथे। जिन्नी मर्जी कमाई है पर छेवें पातशाह एक बारी मुख चो कह दियो जा बुढ़िया तैनू। उस वेले छेवें पातशाह कहिंदे बाबा जी इन्ना पंथ च ना इन्ना कौम च ना, अज कौम नू पंथ नू एक मैसेज गया है कि इन्नी वड्डी पदवी हुंदियां वी तुसी मन इत्थे रखिया कि मैनू बख्शिश दे खाते चो बख्शिश नाल वरके पाड़ दियो, गज के आखो सतना। ये तो पंथ सिखिया लूगा, आ सिखी है। वेखो असी मिंट च कोई बन जाने, बनो ना। जिथे मर्जी गुरु पचावे मन इत्थे रखो बख्शण हार, बख्श लै नानक। आओ एक करी फिर सारे अंदरों मंगो, पिता जी उन्हां दे किताबां पढ़िए, उन्हां दा जीवन पढ़िए, उन्हां दी संगत दे जिन्हां ने जिंदगी च किसे आत्म पद नू पाया, आखो सतनाम। आ करियो कृपा जी सही प्यारे। बोलो सही, हा 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 जी सही प्यारे सही, हा लंबा नहीं करते जी, शॉर्ट करते हैं। ये लाहौर विच सुजान सिंह वैद बन गया, नबज वेख के रोग लभ लेना, वो पूरा रश माया भी आ रही है। वाह वाह, मैं गल छोटी करा, विआह भी हो गया, दो पुत्र भी हो गए, पुत्र बड़े भी हो गए, तो सुनियो जी हुण समाप्ति वाल आ रहे हैं। माया भी आ रही है, सोभा भी हो रही है। एक मरीज दसा नू दसदा, सुजान सिंह वैद बड़ा तगड़ा ही, 100 नू दस दे बड़ा ही रश है, पर की महसूस करदा अंदर खाली है, आखो सतनाम। अंदर खाली नाम तो बिना माया बड़ी है, सोभा बड़ी, अंदर खाली, अंदर खाली। बड़ी शॉर्ट च कर रहे हैं जी, क्योंकि रोहतक बहना 10 बजे, कह
घंटे डेढ़ का राह भी है तो पूरी यतन है साढ़े अठ समाप्ति इत्थे करिए आपां फिर अगला जथा। एक भाई वीर सिंह ने लिखा जी अमृत राय कवि दवाई लैन आया, इन्हें नबज वेखी सुजान सिंह ने दवाई दिती, दो दिन की दवाई फिट बह गई, वो राजी हो गया। फिर दोबारा आया दो दिन बाद भी बड़ा सुख मिले तेरी दवाई ना, उन्हें कहा दो चार दिन होर ले ला। वो सुजान सिंह पूछते हैं की ना तेरा, कहिंदा अमृत राय। की किरत करदा, कहिंदा मैं कवि हाँ कवितावां बोलदा। तो सुजान सिंह कहिंदे कवितावां बोल के रोटी निकल आउंदी, आ सुनियो कवितावां बोल के रोटी निकल आउंदी। तो अगों अमृत राय कवि की कहिंदा, कहिंदा नहीं हिंदुस्तान दा बादशाह मुतसबी है वो किसे हिंदू कवि नू अगे नहीं आउन देंदा। आखो सतनाम, मुसलमान कवियां नू अगे लियांदा, इन्हां नू अगे नहीं आउन देंदा। गल चल पई, निचोड़ लियो, इतिहास है मैनू बोलना पै रहा। वो अमृत राय कवि कहिंदा मैनू पता लगा आनंदपुर साहब एक गुरु गोबिंद सिंह ने वो कल्ले सिख कवियां दी कदर नहीं करदे, किसे धर्म का कवि आ जाए सारे कविया की कविता सुन के झोलियां भर के भेज दे सारे नू गले ना लाओ। ये तुहानू माण होना चाहिए, आप भावना बनाओगे ना गुरु ग्रंथ साहब बाजा ला बैठा ते बाजा ले दे एक पासे दर्शन कर सकते हो भाई नंद लाल जी दे। आखो सतनाम, हिंदू ने। दूजे बन्ने दर्शन कर सकते हो पीर बुद्धू शाह दे, गज के आखो साधना, वो मुसलमान वीर। और तुहानू मैं दसन करके कर रहा बेनती, भाई नंद लाल जी दी बाणी हरिमंदर साहब दे अंदर पढ़ी जाती, आखो साधना। और पीर बुद्धू शाह ने दो पुत्र ते 500 मुरीद वार दिता बाजा ले, तो गज के आखो साधना। कैसा वेखो सांझा, इनू की कहोगे? गुरु गोबिंद सिंह सांझे ने सारिया के, जगत गुरु ने सांझे ने सब दे, गज के आखो सतना। हुण शॉर्ट कर दे, ध्यान देना। यह मन बन गया सुजान सिंह का, मैं भी जाना है, मैनू लगता मेरी मंजिल भी उत्थे ही है, आखो सतना। तो हुण बीबीओ तुहाडे सुनने वाली गल आई है, सुजान सिंह जान तो पहले अपनी वोटी नू कहिंदा, कहिंदा भागां वाली है मुंडे वड्डे हो गए है तो बहुत कमा लिया ऐ। सुनियो जिहड़े रिटायर हो गए जरा ध्यान नाल सुनियो, कहिंदा मुंडे वड्डे हो गए तो बहुत कमा लिया ते मेरा दिल करदा हुण जिन्नी जिंदगी रहिंदी है ये गुरु गोबिंद सिंह दे लेखे ला दिया। आखो सतनाम, जिन्नी जिंदगी रहिंदी है गुरु गोबिंद सिंह दे लेखे ला दें। घर वाली नूं कहिंदा जे मैं आनंदपुर साहब चल जा तो गुरु गोबिंद सिंह दे बाकी लाइफ ला दा, तू कट लेंगी कल्लियां? आखो सतना, तैनू इतराज दे नहीं, हुण बच्चे बड़े हो गए हैं बहुत कमा लिया। आ बीबीओ सुनने वाली गल जे, क्योंकि आ चीज़ां घर च होंदियां, ये सुन लियो। उहदी वोटी ने जवाब की दिता, कहिंदी मेरे माँ प्यो ने मैनू बचपन विच महापुरशां दी संगत कराई है, ते महापुरशां दी संगत चों मैं सुणिया कि जनानी ना ही नाम जपे ना ते पति नाम जपे, पर पति दे जपण च रुकावट ना बने ते पति दा जपया होया 50% जनानी दी झोली च पैंदा। हाय हाय, या निहाल, इनू उल्टा भी कर लियो, पट्टी कल्याण वाले हो, इनू उल्टा भी कर लो। जे भाई नाम ना जपे जनानी जपे, पर भाई जनानी दे जपण च रुकावट ना बने ते जनानी जिन्ना चौंकड़ा मारेगी 50% तुहाडी झोली च पए। अज तो बाद
इनकलाब लियाओ इनकलाब। वो की जे दोवें जी लगे हो तो वधाई, जे दोवें जी नहीं लगे ना, एक लगा तो दूजा नहीं लगा, गल आ गई समझ आ रही ना थोड़े। कोई बीबी 3 बजे उठती है, तुसीं 7 बजे उठते हो, है जी, पर जनानी दे 3 बजे उठन विच कोई रुकावट नहीं बनते। वो जनानी का जिन्ना जपया 50 पहर तुहाडी झोली च, आखो सतनाम। इस तरह उल्टा कर लो, कोई आदमी 3 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, बीबी 7-8 बजे उठती है, पर पति दे उठन च रुकावट नहीं बनती, ते पति दा मारिया चौंकड़ा 50 पैसे उहदी झोली च पैंदा, आखो सतनाम। ये जिन्नियां संगतां बैठियां जे, एक घरां च लोड़ है, बहुत लोड़ है, जिथे ते दोवें जी लगे होए बहुत वधाई, ते जिथे किते एक पहिया तुरिया ते एक थोड़ा जाम है ना, ते अज तो बाद जिहड़ा पहिया जाम है ना, वो नाल दे पहिए नूं रोकियो ना, आखो सतनाम। उहनूं रोकियो, गल आ रही ना पकड़ च, वो मेरा कथा ना मतलब नहीं, साखी नाल विच्चों पॉइंट लो। हुण कोई भाई 7 बजे उठता, 8 बजे उठता, तो बीबी उठती 4 बजे, तो रोज़ वो भाई कलेश करता, तू कि सिर सिरे बत्ती जगा देनी है, तू कि सिर सिरे वक्त पाया अपने भांडे खड़का के मेरी नींदर, कल तो नहीं उठना। जे मान लो रोज़ रुकावट पाता, फिर नहीं 50 पैसे मिलना। पर जे वो भाई सहयोग देंदा भी चल मेरे को नहीं उठाया जाता, तू उठ रही है, शुक्र है वाहिगुरु का, तो जनानी का मारिया चौंकड़ा 50 पैसे तुहाडी झोली च पऊ, आखो सतनाम। जे सहयोग करे बिच सहयोग रख दे, फिर पऊगा। ए मेरी गल ना समझ आई होवे फिर मैं बोल रहा, तुहाडे विच्चों किसे दा पुत्तर, सुनो, अमृतसर परिवार ने ते कई बच्चे 11-12 बजे दरबार साहब जाते, आखो सतनाम। उत्थों सारी रात सेवा करके ना, दरबार साहब अमृतसर अंदर सेवा होंदी है, 5 बजे वापस आते घर। सुनो प्यार ना, हुण एक बच्चा 22 साल का है, 24 साल का है, सारी रात गुरु रामदास के दर ते बिता के आया, 11 बजे तो लैके 5 बजे तक, 5 बजे घर आया, आ के इन्ना ही कहिंदा ना, मम्मी चाह का कप बना दिओ, भी रात की थकावट हुई है। उसले मां भावें 8 बजे उठती है, पर 5 बजे विच्चों 10 मिनट उठ के पुत्र नूं चाह दित्ती, रस दित्ता है, कुछ दित्ता है, पुत्र नूं दे के फिर सौं गई है ना। मैं कहना पुत्र दा दरबार साहब जिहड़ा 5 घंटे चौंकड़ा मारिया सेवा कीती, वो मां दी झोली विच भी हिस्सा पएगा, कि तू उहदे रुकावट नहीं बनी, सगों उहनूं सहयोग कीता। ये इनकलाब लियाओ, मैनू नहीं पता जिहड़ी गल बोल रहा दास, वो तुहानू पता कि किहड़ा भाई जुड़िया, तो बीबी रुकावट, किहड़ी बीबी जुड़ी है तो भाई रुकावट, जिथे दोवें ही परिवार लगा वो तो बड़ी वड्डी कृपा, आखो साधना। जिथे एक लगा एक रोकदा, तो अज जे तुहानू गल सुन के थोड़ा जिहा असर होया होवे, मेरी सुनियो गल, क्योंकि दास का सुभा है कि दास ने वेखना होंदा नाल नाल सौदा विकया कि नहीं, आखो सतनाम। सौदा विके ना फिर बंदा दोबारा आंदा भी आ महल्ले सौदा बड़ा विकया सी, आखो सतनाम। इत्थे फिर आओ भाई, तो हुण कोई भाई लेट उठदा, बीबी जल्दी उठती है, पर अज तो बाद ओदे उठण च रुकावट नहीं बनेगी। कोई बीबी लेट उठती है, भाई पहले उठता है, अज तो बाद वो रुकावट नहीं बनेगी, तो वह 50 पैसे हिस्सा उहदी झोली च पऊगा। अगर अज संगतां ने मन बदलाया होवे,
अज तो बाद मैं जे नहीं जुड़दा तो मेरा जीवन साथी या मेरा परिवार का मैंबर जुड़ रहा मैं वो जुड़न च रुकावट नहीं बननी। तो कोई सज्जन जकारा बुलावे तो सत श्रीकाल बुलावे जिन्हू मंजूर होवे तो सत श्रीकाल तो दास ने वेखना सौदा किन्ना कु वेगया आखो सतनाम। हाँ क्या वाहे सौ निहाल वाह वाह सत श्रीकाल तो इंज लगता भी 90% सौदा वेक गया है आखो सतनाम। यही यही जिंदगी है सज्जन संगत चा के पहला सुभाव मर जाए नवें का जन्म हो जाए आखो सतनाम। कलेश मुक जाण घर दे संगत चा के इस तरह का जीवन हो जाए नहीं तो कई की लाइफ इस तरह ही रिड़ती रही एक दूजे नू मेहने मारदा वो उन्हू मार दे। अज जी सत श्रीकाल बुलाई ये प्रवानगी देना कि जे आप नहीं उठ सकते तो जेड़ा उठदा उन्हू सहयोग करना जेड़ा होर जुड़दा उन्हू सहयोग करना गुरु साहब कृपा कर। हुण साखी की समाप्ति ते आ रहे हैं बहुत प्यारे रागी सिंह भाई अमरजीत सिंह पटियाले वाले वो तुहाडे दर्शन करन पहुँच गए ने ते दास आ रहा जी समाप्ति वाल 5-7 मिनट विच ध्यान देना जी। ये सुजान सिंह भाई वोटी नू पुछदे चल जा तैनू इतराज ते नहीं वो कहती जाओ तुसी बाजां वाले को जाके सेवा करोगे मैनू घर बैठे 50 पैसे मिलने आखो सतनाम। असंग जी दर्शन करो भाई सुजान सिंह ते अमृत राय कवि आनंदपुर साहब पहुंचे हाय 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 जेड़ा राइटर ने शब्द लिखे सुनियो प्यार ना वो अंदर एंटर होए ना तो कीर्तन हो रहा सी गुरु गोबिंद सिंह बैठे तो कीर्तन हो रहा तो मेरा दिल करता वो शब्द पढ़ा सिर्फ एक पंक्ति एक बारी वीर बोलियो एक बारी भैणा बोलियो ये जो भाई सुजान सिंह अमृत राय कवि अंदर वड़े तो शब्द कहड़ा लगा सी इत्थे वज्जा तीर वो शब्द कहड़ा लगा सी जी मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा भैणा बोलो मेरा वैद शाबाश गुरुमुख बोलो जी मेरा वैद मेरा हा लंबा नहीं कर दे हूँ इनू लवान तो अद्धे घंटे का सब्जेक्ट ये तुसी इन्ने मीर हो यह जी गुरबाणी है ना निरंकार का रूप है निरंकार का रूप तो कई बार जो थोड़े अंदर चल रहा होंगे ना तो शब्द भी वह लगा होंगे आखो सतनाम वो फिर जवाब मिलता एदियां अखां चो अथरू ना रुकन क्यों वैद सी जे को शब्द लगा मेरा वैद गुरु इत्थे वज्जा की अज वैद नू वैद मिल गया गज के आखो सतनाम। मैं दुनिया की दवाई देना अज मैनू गोविंद वो वैद मिल गया जेड़ा जमा दी फाई कटदा है गज के आखो सतनाम। शाबाश संगत जी एक दो दिन तो हिम्मत ना पई दो दिन बाद हिम्मत पई महाराज के नेड़े होया हुण सुनियो साखी समाप्त होण लगी ते नेड़े होके कहिंदा महाराज मैं वैद हाँ ते मुंडे वड्डे हो गए बहुत कमा लिया आ तुसी वेख लो जिहड़े बजुर्ग हो गए इस तरह रखो हुण ला दिओ लेखे जीवन महाराज बोला कमा लिया हुण वट्टे वड्डे हो गए ते हुण जिन्नी जिंदगी सेवा च लाउणी चाहुंदा ते अगों आखिया भी मैं दुखी हाँ
अंदर खाली है, आखो साधनाम, रस्ता दो, रस्ता दो, कृपा करो। इत दास दा दिल करता जी, इनू धारना ना समझो, कोई गल बोल के लंघा तो गा के बस इन्ना ही है। भाई वीर सिंह ने जेडे लफज लिखे ना भी ये, भाई सुजान सिंह ने जेडे बाजाले नू कहे, एक मिनट गा के बोलियो तो वेखो वो प्यार आया कि नहीं। अजे मैं दुखी हां मैं भुखा हां मैनू तारो जी, मैं दुखी हां बोलो। मैं दुखी हां मैं भुखा, हाय हाय हाय, एक बारी भैनों होर बोल दो। मैं दुखी आया आया मैं भुखा, आया आया मैनू शॉर्ट कर रहे हैं, दिल करता गाई जाइए। आ सुनियो, मेरे कन्ना नू हाथ लग गए, सारी संगत गुरु गोबिंद सिंह का जवाब सुनियो, जवाब की जवाब दिता गुरु गोबिंद सिंह। कहिंदे सुजान सिंह, बड़े ध्यान नाल सुनियो गल सुनन वाली है, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सुजान सिंह संगत की सेवा कर लै दुख सारे ही चले जाने। बड़े ध्यान नाल सुनियो, आ गल बड़े सुनो नाली, क्योंकि मैं कहना जे पछाण जोगे ना अगले साल प्रोग्राम कराओगे सारियां दे गात्रे पए होणगे, जे पछाण जोगे। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने नाल नहीं जोड़िया, तुहानू एक नंबर ते रखिया, तुहानू संगत नू। दूजे लफज सुनो, पहले ओ सुजान सिंह संगत की सेवा कर लै दुख सारे ही चले जाणगे। दूजे लफज कहे मन नीवा करके संगत की सेवा कर लै भुख कोई रहेगी नहीं। वो एडा सियाणा बंदा सुजान सिंह मार खा गया, अगों की कहिंदा, कहिंदा महाराज संगत की सेवा नहीं चाहिदी, हयूरी सेवा बख्शो। आखो सतनाम, हयूरी सेवा समझते हो, चौर साहब करा तुहाडे रोज दर्शन हो, तुसी कितें जाना तो मैं जोड़ा लैके आवां, तुसी बस्तर उतारे मैं बस्तर धोवां, तुसी प्रशादा छकना मैं थाली, इहनू कहिंदे हयूरी सेवा। महाराज संगत की सेवा नहीं, हयूरी सेवा दिओ। आखो सतनाम, यह गल छोटी कर रहे हैं। कलगीधर कहिंदे रोपड़ कोल, आनंदपुर साहब का वार्ता है, तो रोपड़ किन्नी कु दूर है। कलगीधर कहिंदे रोपड़ कोल छन पा लै, छन माया नहीं लेनी, वो छन ते लिख दे सेवा दी छन, ते जिन्नी संगत आनंदपुर साहब आंदी है जां जांदी है ना, उन्हां नूं रस्ते च दवा दारू लोड़ पै जांदा, कई वारी मलम पट्टी जां कोई होर आवे। सुनो बाजां ला कितें जोड़ रहे, कहिंदे मैनू चोर साहब नहीं लोड़, मैनू हयूरी सेवा नहीं, रस्ते च छन पा लै रोपड़ कोल, आए गए नू दवा दारू लोड़ होवे दे, मलम पट्टी लोड़ होवे ओ कर, बिल्कुल वेला होवे जल छका, रोपड़ कोल छन पा के सेवा कर। आखो सतना, उन्हें दूजी हरी कहता नहीं महाराज हयूरी सेवा दो। महाराज दूजी हरी फिर कहते तेन क्या ना रोपड़ को छन पा, जे गोने वैद ना इनू संगत की सेवा चला आना, जिनू मलम पट्टी दवा दारू लोड़ है उधर ला। कहिंदा नहीं जी हयूरी सेवा। महाराज तीजी हरी क्या ए, फिर तीजी हरी कहिंदा नहीं जी हयूरी। बाबा गुरु गोबिंद सिंह साडे पिता जी कहिंदे, कहिंदे इहनू धक्के ना भेजता ना, इहनें चौथे दिन फिर आ जाणा तुर के। आखो सतनाम, महाराज ने डंडा सख्त करता, सख्त की। महाराज कहिंदे सुजान सिंह रोपड़ कोल छन पाणी है, छन ओ छन दा नां रखणा सेवा दी छन, माया नहीं लैणी, आए गए दी मलम पट्टी दवा दारू बिल्कुल वेला होवे जल छकाउणा,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜੂਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੈਨ ਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੂਰੀ ਸੇਵਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਛੰਨ ਕੀ ਪਾਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਛੰਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੰਨ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ, ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ, ਜਲ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ। ਅਤੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-6 ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ, 3-6 ਆਸਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਸਣ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਛ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਆਸਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਆਸਣ ਭਗਤੀ ਵੀ ਇੰਜ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਇੱਧਰ ਦੋ ਮਨ ਲੜ ਪਏ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਦੋ ਮਨ ਲੜ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ ਛੱਡਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਮਨ ਲੜ ਪਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਮਨ ਆਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੜ ਪਏ। ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਉ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ ਜੇ ਵੇਖਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੇਦਵੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ। ਆ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ। ਪਰ ਬੀਬੀਓ ਭਾਵੇਂ 5-star ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਟ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਪਿਰਿਟ ਲਿਆਓ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਬ੍ਰੋ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, 2 ਮਨ ਲੜ ਪਏ, ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਏਗਾ ਜੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ, 1 ਬੰਨੇ ਰਸ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ
गुरु गोबिंद सिंह दे हुक्म दी बेदबी ना हो जाए, जकारा दे प्यार दे नाल। हाय हाय खोली कुंडी, कुंडी खोली, वो जड़ा मरीज सी ना ओदी मलम पट्टी जो कुछ उन्हू तकलीफ मलम पट्टी की, 10 मिनट लगे, दवाई दिती, हाथ धोते, फिर कुंडी लाई, फिर बैठा, अजे टाइम हैगा सी नितनेम दा, फिर बैठा 9 बजे ते फिर बुआ लाया। रोज में दवा दारू मलम पट्टी का काउंटर लग जांदा सी। 11 बजे ते घोड़े ते सिख आया आनंदपुर साहब तो, ते सिख आ के कहिंदा सुजान सिंह तेरा नाम है? कहिंदा जी मेरा नाम है। ते अगों फिर वो घोड़े ते जिहड़ा सिख आया की कहिंदा, कहिंदा तैनू गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब सद्या है, आखो सतनाम। और पट्टी कल्याण वाले हैरान होवोगे, 5.25 साल समा लिखिया भाई वीर सिंह ने, 5.25 साल बाद सुनिया भेजिया बाजां ले ने, महाराज ने कहा ना जब तक सदीए ना तू आना नहीं, 5.25 साल विछोड़े च रहा। उन्हूं तो चा चढ़ गए, बाजां ले ने आख्या लाई कुंडी, वो सिख कहिंदा महाराज कहिंदे घोड़े मगर बहा के लियाउणा, ते जदों घोड़े मगर बह के ते आनंदपुर साहब पहुंचिया ना, हुण खीरला सीन जे साखी दा प्यार वाला, मेरे बाजां ले तुहाडे बाजां ले ना दोवें बाहां खोल के ना दूरों कहिंदे आ ओ सुजान सिंह मेरे गले लग जा तू पास हो गया है। ये कहिंदा महाराज मैं समझिया नहीं, नाल नाल तुरिया आवे, 10 फुट रह गया वाया, ते बाजां ले दूजी वारी कहिंदे मेरे गले लग जा तू पास हो गया, वाया रह गया 2 फुट भाई सुजान सिंह ते बाजां ले दा। कहिंदा महाराज मैं समझिया नहीं, महाराज कहिंदे किथे सिख कहिंदा कब गल लावेंगे, इत्थे गुरु कहिंदा मेरे गले लग जा तू पास हो गया। कहिंदा मैं समझिया नहीं, महाराज कहिंदे ओ सुजान सिंह सवेरे रस छड के जिदी मलम पट्टी कीती ओ कोई होर नहीं, ओ मैं ही भेजिया सी, ओ मैं भेजिया सी। हाय हाय हा आ गुरु गोबिंद सिंह किन्ना ख्याल रखते संगत का, गज के आखो सतना विक जो बाजां वाल अपने परिवार नू अपने आप नू 2 नंबर ते रखता, जे तुहानू 1 नंबर ते आखो सतना, इन्ना संगत का ख्याल रखते पिता जी। महाराज कहिंदे मैं भेजिया सी चेक कर लई संगत की सेवा कर रहा कि नहीं, ते तू पास हो गया, पास तू पास हो गया, ते गले ना ला के कहा सुजान सिंह निहाल निहाल निहाल, ते नाल ही कहिंदे जा तेरी कुल भी निहाल निहाल निहाल। ये साखी तो सिख्या लैनी है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज किड्डी वड्डी इनकलाब है, वो हजूरी सेवा मंगदा महाराज संगत की सेवा चलांदे, आखो सतनाम। सतगुरु तुहाडे ते मेरे ते किरपा करन, ये सारी संगत नूं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पछाणन लई अख बख्शन। आज जिन्नी माया दे गए हो ये विधवा बीबियां दे मुख च अन्न दा दाणा, 2 हस्पताल 2 सरावां, ते एक ना लो सारे पट्टी कल्याण वाले, ना लो बाबा दीप सिंह दा, धन बाबा गज के लो धन बाबा। पता जे बाबा जी दा जन्म कित्थे होया? पौमिंड साहब। ते बाबा जी दा जन्म स्थान दी सारी कार सेवा वो बाबा दीप सिंह दा तरस उन्होंने झोली च पाई है। दूजे ना लो शहीद सिंह भाई तारू सिंह जी दा, धन शहीद भाई, उन्होंने जन्म स्थान पूला सा, उन्होंने भी जन्म स्थान की कार सेवा बाबा जी ने तरस करके झोली च पाई। और ये सारी माया इन्हों कार्यों पिता जी सेवा लेंदे है। ते आ सटाल 20-25 मिनट अद्धा घंटा लगा रहेगा, असी वक्री गड्डी जाना उन्हें वक्री चाहना। ए 250-300 नंबर ने जी, MP3 CDs VCDs DVDs, कोई बिजनेस नाल नहीं, आप जी बाहरों लाभ लै सकते हो। ए पेन ड्राइव मेरे हत्थों वेख लो, ये 64 घंटे 60 घंटे 56 घंटे का कीर्तन है, ये 8 नंबर ने जी, हर नंबर के मगर वेरवा स्टिकर लगा कि सबजैक्ट ने जो टीवी लड़ीवार आते हैं, ये 64 घंटे 60 घंटे
कोई चीज़ बिजनेस नाल नहीं संगत बारों लाभ लै सकती। ए सतवीं किताब महाराज ने लिखाई है सिमरन दियां नौ अवस्था, बैखरी जाप की है, परे जाप की है, पसंती जाप की है, मधमा जाप की है, सुरती का जाप की है, हिरदे का, रोम रोम का, सृष्टि जाप, सिमरन दियां नौ अवस्था। तो पहलियां छे किताबां भी ये बार लगियां, आराम नाल संगतां लाभ लै सकदियां। यह रसाला हर दो महीने बाद तुहाडे घरां च पहुँच सकदा है, हिंदी पंजाबी अंग्रेजी तिना बोलियां च, ये भी संगतां बार मैंबर बन के लाभ लै सकदियां। सानू जथे नू असीस देनी कि रोहतक 10 बजे बहना, तो असीस देनी उत्थे भी समय सिर पिता जी सेवा लैन। आओ बड़े प्यार वाला जथा जिन्हां नू संगतां प्यार नाल सुणदियां, भाई अमरजीत सिंह पटियाले वाले गुरमुख प्यारे, वो अगों सैकटरी साहब आप जी नू प्रोग्राम दसणगे। एक बारी ये पंक्ति पढ़ के सानू आग्या दिओ, कोई वांझा ना रहे जी, बाजां लगे विकणा है। अगली बारी जिमें जिमें पिता जी मेहर करन, क्योंकि ये सिकली घर सिख समाज, और मैं पहली बारी इन्ने समाज के दर्शन, होर संगतां भी बैठी हैं पर बहुता उन्हां दा, और इतना सिंघां ने गात्रे पाए है, इतना मन खुश होया, और ध्यान देना गुरु गोबिंद सिंह ने तुहाडे वड्डियां नूं भी बहुत प्यार कीता, आखो सतनाम, बहुत माण बख्शे ते बहुत प्यार, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। वाहिगुरु सारी सिकलीगर सिख समाज नूं चढ़दी कला बख्शण। आओ एक बारी ये पंक्तियां बोलो जी, ते जथे नूं खुशियां दिओ, सारे कृपा करिओ जी। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल ऐसे गुर को। सारियां भैणां बोल दिओ ऐसे, हाँ हाँ दो बारी ऐसे आप मुकत मोए तारे, आप मुकत मोए तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए। सारा संगत ला दो जी, सारी संगत शाबाश। सोनहा इन्नी हाजरी प्रवान करो, बहुत प्यार नाल अगला प्रोग्राम सरवण करो। गुरमुख प्यारियां रूहां तुहाडे दर्शन करन आ रही ने, सारी संगत कोई गल ना चंगी इत्थे छड़ जाना, ते गुरमत अनुसार साखी चों कोई सिखिया मिले वो घरां च लै के जाना। साडा तुहाडा बैठा समा इत्थे सफला होवे। हुण सैकटरी साहब आप जी दे अगों दर्शन कर रहे ने, सारे प्रधान जी, गुरद्वारे की कमेटी, सारा सिकलीगर सिख समाज वालों जी आया नूं, दूरों दूरों संगत आई हैं जी आया नूं। हुण हाँ आ साडा विचोला बणिया भाई भाई सरूप सिंह, बाबा अवतार सिंह जी, आह बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले, आखो सतनाम, बाबा बिधी चंद जी की कुल चो, ये गुरमुख प्यारियां दा बहुत प्यार तुहाडे नाल जी, ये विचोले बने तुहाडे दर्शन कराण दे। हुण जिहड़ी फतेह बुलाउणी ना सुन लो, ये सानूं सीस देनी है, तुसीं दास संगत नूं रब समझदा, मैं रब समझदा तुहानूं, माँ बाप समझदा तुहानूं, रब माँ बाप बन के सीस देना अगले सफर अगले दवान, जिथे जिथे कारज चल रहे संगत की कृपा बगैर नहीं हो सकते, जिथे जिथे कारज चल रहे घरेलू धार्मिक समाजिक वार्ड लगी रहे, ये जथे नू असीस दो अंदरों निभजे प्यारे नाल। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।